को, श्रीनगर निवासियों को बहुत खुशी है क्योंकि पहली बार कल्प में दीदी जी यहाँ आए हैं। इस कल्प में पहली बार, और हर कल्प की नींद हो गई, ये भी तो खुशी है ना। तो हमारे दूसरे भाई भी है, रविंदर भाई और तो सब के आने पर हमको बहुत खुशी है क्योंकि श्रीनगर की बगिया हरी भरी होती है। दीदी जी के लिए आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपके आने का आंखों में ख्वाब संजोए बैठे थे, आपकी यादों को दिल में बसाए बैठे थे। इस सुनहरी घड़ी का तो इंतजार हमें, इस सुनहरी घड़ी का तो इंतजार हमें, हम इस दिन के लिए पलकें बिठाए बैठे थे, पलकें बिठाए बैठे थे। आज हमें बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है क्योंकि श्रीनगर नाम ही श्रीनगर है, श्रेष्ठ नगर, तो अब ये श्रेष्ठ बन जाएगा। अभी तक तो नाम नाम था, परंतु अब बनेगा क्योंकि पवित्र आत्माओं के पैर जब पड़ते हैं उसका बहुत वाइब्रेशन जाता है। और दीदी जी आए हैं, सारे शहर को पता है कि माउंट आबू से पर्सनैलिटी आ रही है, कोई सारा शहर, बहुत लोग आएंगे दर्शन करने के लिए। कहते हैं हम दर्शन करने के लिए आएंगे, हमें दीदी जी का सानिध्य मिलेगा। मैं क्या, जरूर मिलेगा, आप जरूर आइए। हैं देवियों की आप पूजा करते हैं जिनकी, वो देवी चेतन में आपके सामने आ रही है। तो श्रीता बहन ने, नीलम बहन ने, उषा बहन ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो नई 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 बात भी आएगी सामने जो कभी नहीं देखी है, और दीदी जी का संस्थाएं सम्मान भी करेंगी वहां पर, तो बहुत खुश हो रहे हैं लोग। हमारे राजीव जी बैठे हैं, दीदी जी यहाँ के सबसे बड़े ज्वेलर हैं, तो और बहुत हॉनेस्ट ज्वेलर हैं, इनको प्राइज मिले हुए इस बात पर। राजीव जी आप करा कीजिए। तो दीदी प्रकाश भाई अब क्या आ गया, खड़े हो जाओ थोड़ा, दीदी को दिख जाए। उससे ज्ञान क्या है कि दूसरे लोग शहर का इनको बच्चा बच्चा जानता है, रामा ज्वेलर के नाम से प्रसिद्ध है। सेवा करे पर निरंकारी बन के करेगा, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा जाता है। तो क्या है कि धीरे धीरे यहाँ शहर वालों को पता चल रहा है कि ये संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन पर और राजनीतिकों के ऊपर संस्था का बहुत अच्छा प्रभाव है। अभी हमारे यहाँ जैसे मंत्री जी आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत और दूसरे एमपी साहब यहाँ के कल प्रोग्राम में आएंगे, और टिहरी में स्पीकर आ रही है उत्तराखंड की, और चतर आ रहे हैं कि एमएलए आ रहे हैं। एमएलए तो हर स्थान पर है, परंतु कई जगह मिनिस्टर आ रहे हैं, और उत्तरकाशी में समापन पर टेरी की महारानी आ रही है, जो एमपी भी है दीदी जी, और वो महारानी भी टेरी का राजा फेमस रहा है यहाँ का। वो आज़ादी के एक साल बाद इमर्ज हुआ था ये इंडिया में, राजा अड़ गया था पहले, परंतु बहुत फेमस राजा था, बहुत स्ट्रॉन्ग राजा था टेरी का। तो उस वो राज्य चल रहा है ना, उनकी आज तक भी लोगों में मान्यता है बहुत, तो महारानी आ रही है वहाँ पर चीफ गेस्ट। तो इस तरह से ये अभियान जो सोशल मीडिया का है, मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि हमारे पास वक्ता भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। स्वामीनाथन भाई, ईगरीश भाई, देखो दोनों भाई कहाँ आते हैं, तो इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अभियान में अवश्य आए ताकि हर जगह सेवाएं अच्छी फल सकें, क्योंकि हर जगह पब्लिक भी आएगी और अच्छे अच्छे लोग आएंगे।
ये जो सोशल मीडिया का अभियान है ये पब्लिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोशल वर्कर हर जगह है और वो कहते भी हमें कोई नहीं पूछता, परंतु हमने उनको स्टेज पर ले लिया है, वो बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि हमें बुलाया है। अभी यहाँ 60-70 शायद कितने एनजीओ हैं, तो उनमें एनजीओ वालों के टेलीफोन आए कि जी हमें नहीं आपने लिया। मैंने हमने फिर उनको कहा आप आइए आपको कैंडल लाइटिंग मिलेंगे। तो हमने एक मतलब युक्ति रची हुई है लोगों को बुलाने की, हम 150 आदमी में उसे कैंडल लाइटिंग करा लेते हैं। वो कैंडल लाइटिंग के लिए जरूर आते हैं अच्छे अच्छे लोग। तो उससे क्या है कि शहर के चुनिंदा लोग होते हैं ये और वो सब फंक्शन में आ जाते हैं। तो इससे महाराष्ट्र से है तो कोई मैं अविनाश भाई को भी आमंत्रित करूँगा, दीदी जी के स्वागत में गीत तो सुनाते आकर। आपकी याद बाबा हमेशा रहे, आपसे बात होती हमेशा रहे, आरजू है यही जुस्तजू है यही, ये मुलाकात होती हमेशा रहे। करेंगे सभी।
अम्मा हाथ रखेंगे आगे करो, हाथ आगे रखना। आज की वर्ल्ड में बाप दादा ने कहा कि हर Yeah.